हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 7 रुपए 35 पैसे की गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक 2.5% के करीबन की करेक्शन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक करंट लेवल पर 291 रुपए 5 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक के अंदर तो लॉन्ग टर्म में एक डाउन ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर स्टॉक का पहले तो सपोर्ट लेवल बना था 281 रुपीज पर। 281 रुपीज पर इस पॉइंट पर स्टॉक ने एक सपोर्ट लेवल बनाया और यहाँ से स्टॉक ने एक बाउंस बैक दिखाया। ऊपर में 305 रुपीज के प्राइस को रिटेस्ट करता है। ऊपरी लेवल पर स्टॉक में मुनाफा वसूली देखने को मिलती है और जो स्टॉक का पिछला सपोर्ट लेवल था 281 रुपीज, स्टॉक उस प्राइस को भी ब्रेक डाउन देता है। नीचे में 262 रुपीज के प्राइस को एक लोअर सर्किट लगाता है। यहाँ पर स्टॉक के अंदर एक बॉटम बन चुका है और निचले लेवल पर स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी आती हुई नजर आती है और ऊपर में स्टॉक 312 रुपीज का हाई लगाता है और स्टॉक में फिर से ऊपरी लेवल पर एक मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। अब जो स्टॉक का नीचे का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, स्टॉक का जो पिछला सपोर्ट लेवल था 281 रुपीज, अगर आप इसे स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो नीचे में 281 रुपीज का एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस रखें। ऊपर के टारगेट अराउंड 320 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक के अंदर बड़ी गिरावट जब भी देखने को मिलेगी जब स्टॉक 281 रुपीज के प्राइस को ब्रेक डाउन देता, क्योंकि स्टॉक का ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।